हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब, वेलकम टू दिस चैनल। और इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग पे ज्ञान। और आज जो वीडियो लेक्चर्स है, इस सीरीज का नाम है, इसे एनसीईआरटी इंडिया की सीरीज चल रही है, इस सीरीज का नाम है इजी टू यू सीरीज। अब मोस्ट ऑफ यू विल थिंक दैट इजी टू यू सीरीज क्यों है ये? तो इजी टू यू सीरीज इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सबसे आसानी से मींस लेयर बाय लेयर आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी इसमें, जो कि आपको ईजी पड़ेंगी फॉर अंडरस्टैंडिंग दम। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से सारे लेक्चर्स को बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, विच विल बी मोस्ट बेनिफिशियल, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस पूरी सीरीज को देखें एंड यू विल गोना गेट एवरी थिंग यू नीड फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री से आपको जो कुछ भी चाहिए होगा ना, जो कुछ भी एग्जाम में पूछेगा वो, बिलीव मी यू विल हैव एवरी थिंग ऑफ दैट। एंशियंट हिस्ट्री का पोर्सन आपका एकदम अच्छी से क्लियर होने वाला है, बहुत ही आसानी से। ये नहीं, ये अभी बताया नहीं जा सकता कि कितने लेक्चर्स आएंगे, तो जितने भी लेक्चर्स आएँ बस आप एक बार गो थ्रू करिए। ज़्यादा लंबे वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे, अराउंड 20 मिनट, मे बी इट विल बी अराउंड 20 मिनट्स। सो हैव अ गो थ्रू फ्रॉम कंप्लीट वीडियो, इस पूरे वीडियो से जाएँ, ठीक है ना, होके गुजरे हैं और आपको बेनिफिशियल रहेंगे। तो जो अभी हम एंशियंट इंडिया में सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि प्री हिस्ट्री फेज, अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अभी इसमें। प्री हिस्ट्री फेज, ये पूरा एक पीडीएफ तैयार है, इसमें एंशियंट हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कवर है। अब हम देखेंगे कितना अभी हम फर्स्ट लेक्चर में कर सकते हैं। इसको अराउंड 10 से 15 मिनट बनाने की मैक्सिमम कोशिश रहेगी अभी, शुरू शुरू के वीडियो लेक्चर्स 10 से 15, बाद में लंबे लेक्चर्स भी आएंगे इन योर डिमांड। ठीक है, तो बोरिंग ना हो लेक्चर, इसलिए छोटे लेक्चर बनाने की तैयारी अभी चल रही है। तो देखो, आज हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट इंडिया का पार्ट है, चैप्टर नंबर 1 है एंशियंट हिस्ट्री, जो कि आप अभी इस लेक्चर में मौजूद हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे इसमें हम। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है प्री हिस्ट्री फेज। नाउ व्हाट इज प्री हिस्ट्री फेज? तो प्री हिस्ट्री फेज होता क्या है? तो देखो, हिस्ट्री प्री हिस्ट्री फेज को एक बार हम देखेंगे कि प्री हिस्ट्री होता क्या है, वो आपको इसके बाद क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं हम हिस्ट्री, अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिस्ट्री होती क्या है। तो हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है जो हिस्टोरिया वर्ड से लिया गया है ग्रीक के, जिसका मीन्स होता है इंक्वायरी, नॉलेज, इंक्वायरी और गेटिंग नॉलेज एक्वायर बाय इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्री मीन्स होता है इंक्वायरी या नॉलेज दैट इज एक्वायर थ्रू इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड हिस्ट्री, और ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखने वाले हैं कि हिस्ट्री के फेजेस वगैरह देखने वाले हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के फेजेस देखो, हिस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तीन हिस्सों में हिस्ट्री को विभाजित किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब ये होता क्या क्या चीज़ें हैं ये सब हम देख लेते हैं। इतिहास को तीन हिस्सों में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब जो प्री हिस्ट्री क्या है, उसमें थ्री स्टोन एज, स्टोन एज जो हम पढ़ते हैं वो प्री हिस्ट्री में आती है। अभी प्री हिस्ट्री है क्या, वो अभी आप देखोगे। ठीक है, स्टोन एज आते हैं और प्री हिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ से निकलती है, इवेंट्स अकर बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग आर कंसिडर एज पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री। यानी ऐसे इवेंट्स जो तब हुए जब इंसान को लिखने की कला नहीं आती थी या इंसान ने लिखना शुरू नहीं किया गया था इंसान के द्वारा, उसको हम प्री हिस्ट्री के अंदर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं थ्री स्टोन एजेस की, तो उस टाइम जो लोग थे उनको मीन्स हथियार ही उनके पास अच्छे नहीं थे, कहाँ तो पेन पेंसिल, तो ये सब पार्ट हम प्री हिस्ट्री में लेते हैं। प्रोटो हिस्ट्री की बात करें, प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड है। पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री मींस अब पास्ट की ऐसी स्टडी, मींस इतिहास का ऐसा स्टडी जिसमें इंसान ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मींस हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या रिटर्न सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ, मतलब ऐसी स्टडी जिसमें कि हमारे पास सारे जो रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं उसको हम हिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। अब बीच में बच जाता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री ऐसा समय है, प्रोटो हिस्ट्री ऐसा टाइम इंटरवल है जब इंसान प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री में ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके बीच का पीरियड जो है वो प्रोटो हिस्ट्री है। इसमें इंसान ने थोड़ा बहुत
एक पीरियड में तो लिखना नहीं आता था, लिखना सीखा ही था इस पीरियड में, लेकिन जो इसके रिटर्न जो रिकॉर्ड्स हैं दैट आर नॉट अंडरस्टूड बाय अस, अभी तक हमें समझ में नहीं आए हैं इनकी जो द लिपि जो इनकी ये यूज करते हैं वो अभी तक हमारे समझ में नहीं आई है प्रोटो हिस्ट्री, तभी हमने इसको प्रोटो हिस्ट्री में कंसिडर किया है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटो हिस्ट्री तो ठीक है, तो अभी सिविलाइजेशन भी प्रोटो हिस्ट्री में डेवलप नहीं हुआ था, हिस्ट्री में सिविलाइजेशन कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं, और प्री हिस्ट्री की बात करें तो हम सिविलाइज्ड तब थे ही नहीं, सिविलाइजेशन थोड़ा थोड़ा शुरू होता है प्रोटो हिस्ट्री से, हिस्ट्री में हमें सिविलाइज्ड लोग देखने को मिलते हैं जिनको रिटन वर्क करना आता है। अब हम थोड़ा सा साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, दो हिस्टोरियंस या दो आर्कोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं, तो दो आर्कोलॉजिस्ट हैं, पहला है रॉबर्ट ब्रूस फुटे, नाम याद रख लेना, सर मार्टिमर व्हीलर। अब रॉबर्ट ब्रूस फुटे की अगर हम बात करते हैं, ही इज क्रेडिटेड फॉर डूइंग एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, इंडियन प्री हिस्ट्री की एक मेजर स्टडी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी रॉबर्ट ब्रूस फुटे द्वारा की गई है। ही डिस्कवर प्रॉबेबली द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल ऑफ इंडिया द पल्लवरम हैंड एक्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनता है पहला क्वेश्चन आपका यूपीएससी के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखो, क्रेडिट फॉर डूइंग एक्सटेंसिव स्टडी इन्होंने करी, और इनको माना जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सबसे पैलियोलिथिक एरा अभी हम पढ़ेंगे, ये स्टोन एज है, इनमें से स्टोन एज का सबसे पहला पार्ट पैलियोलिथिक एज ही है। स्टोन एज जब अभी टूटेगा ना, तीन हिस्सों में, पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक सबसे पहला इंटरवल है जहाँ से हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ से हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, पहला जो स्टोन टूल मनुष्य द्वारा यूज किया गया था उसका नाम था पल्लवरम हैंड एक्स। इसको अपने दिमाग में नोट कर लो, इसमें आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, बस इसे नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एक क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल है इंडिया का, और इसको डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्रूस फुटे, दोनों नाम रॉबर्ट ब्रूस फुटे और पल्लवरम हैंड एक्स दिमाग में नोट कर लो। फिर आ जाता है सर मार्टिमो व्हीलर। अब मार्टिमो व्हीलर ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट टुवर्ड अवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री में जो हमारे पास नॉलेज है उसमें इसका इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, या हमारे पास जो भी दस्तावेज है उनमें इसका इनका बहुत बड़ा हिस्सा या इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कल्चर ऑफ इंडिया एंड देयर सीक्वेंस, इन्होंने क्या करा कि जियोलॉजिकल एज और टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन, स्टोन टूल कैसे यूज होते थे, जियोलॉजिकल एज के हिसाब से इन्होंने हिस्ट्री को सिक्वेंस में रखा। अब हमने कहा कि पुरानी हिस्ट्री है, अब हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स कुछ है नहीं, तो अब इन्होंने क्या करा, उसको क्लासिफाई किया, उसको ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल, कैसे स्टोन टूल का, स्टोन से बने हुए वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, उसके हिसाब से इन्होंने जो पुराना टाइम था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इंडियन स्टोन एज को डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, ये तीनों याद करो, ओल्ड स्टोन एज, न्यू लेट स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है, देख लो, ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, 5 लाख BC के टाइम, 5 लाख से 10 हज़ार BC तक का टाइम इंटरवल ओल्ड स्टोन एज के अंदर आता है, जिसको पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। देखो यहाँ पर पैलियोलिथिक टूल कौन सा था, पल्लवरम हैंड एक्स, अब यहाँ पर ही है, ये पैलियोलिथिक एज जो है वो ओल्ड स्टोन एज है। फिर आता है लेट स्टोन एज, लेट स्टोन एज को कहते हैं मीजोलिथिक एज, इसकी जो डेटिंग है वो है 10,000 से 6,000 BC, और न्यू स्टोन एज जो है वो नियोलिथिक भी हम जिसको कहते हैं, उसको 6,000 से 1,000 BC तक का टाइम इंटरवल दिया गया है। पैलियोलिथिक, पैली मीन्स होता है ओल्ड, मीजो मीन्स होता है लेट, न्यू मीन्स होता है न्यू, तो इस हिसाब से इनको नेम दिया गया है सर मार्टिमो व्हीलर ने, तो इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है इन द हिस्ट्री, इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री या कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड हिस्ट्री। अब ठीक है, शुरू करते हैं हम पैलियोलिथिक एज थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं, पैलियोलिथिक एज ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो इस वीडियो में शायद हम पैलियोलिथिक एज ही को डिस्कस करेंगे, फिर अगली वीडियो में और चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पैलियोलिथिक एज डेवलप द प्लिस्टोसेन पीरियड और आइस एज, जो पैलियोलिथिक एज है इसको हम लेसिटोसीन पीरियड, सॉरी लेसिटोसीन पीरियड, एक बार आप स्पेलिंग देख लो क्योंकि प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, PLEISTOCE, यानी अब अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस करो, और आइस एज, आइस एज भी कहा जाता था, या लेसिटोसीन पीरियड भी इसको कहा जाता था। लेसिटोसीन पीरियड और आइस एज इसलिए कहा जाता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट, जो कि अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट माना जाता है कि इस टाइम पे
पूरा बर्फ से ढका हुआ था। और ये अगर और जो हम टाइम की हम बात कर रहे हैं उस वो है 10 लाख साल पहले की, मींस 5 लाख से 10 हज़ार साल पहले, या 5 लाख से 10 हज़ार साल के बीच की। ठीक है, तो इसमें जो पीपल्स थे वो थे हंटर्स एंड फूड गेदर्स। हंटर्स और फूड गेदर्स लोग इसमें देखने को मिलते हैं। पैलियोलिथिक मैन ऑफ इंडिया आर सेट टू बी बिलोंग ऑफ नेग्रिटो रेस। तो ये जो लोग थे वो इसमें नेग्रिटो रेस के थे। और नो नॉलेज ऑफ हाउस बिल्डिंग, नेग्रिटो रेस के इसमें जो लोग थे वो नेग्रिटो रेस के थे। हंटर्स और फूड गेदर्स थे, मीन्स इन्हें अभी खाना बनाने की कला या खाना बनाने की विधि इन्हें पता नहीं थी। ये हंटिंग पे डिपेंड करते थे पूरा, या फॉरेस्ट वगैरह से जो भी फूड गेदर होता था उस पे डिपेंड करते थे। आइस एज को बिलोंग करते थे, नेग्रिटो रेस के लोग थे। और नो नॉलेज ऑफ हाउस बिल्डिंग, अभी हाउस बिल्ड करना इन्होंने शुरू नहीं किया था। हाउस बिल्डिंग नहीं करते थे तो कहाँ रहते होंगे, गुफाओं में रहते होंगे, कंदरिकाओं में रहते होंगे। और बात करते हैं पॉटरी एंड अदर मेटल, इनको अभी बनाना नहीं आता था। ठीक है, ना पॉटरी का यूज़ देखने को मिलता है, ना मेटल्स का यूज़ देखने को मिलता है। यूज अनपॉलिश्ड अनड्रेस्ड एंड रफ स्टोन। अब देखो अगर हम टूल की बात करें, मेटल का यूज़ तो इन्हें आता नहीं है, पॉटरी बनानी भी नहीं आती है, तो मेटल का यूज़ नहीं आता है, तो आजकल के जैसे मॉडर्न वेपन तो वहाँ होने से रहे। तो ऐसा वेपन्स जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है वो है स्टोन, पत्थर फेंक के मारते हैं ना, तो नेचुरल वेपन है वो, इनके पास था। तो उसको भी अगर हम देखें तो इनके पास इतनी शिल्पकारी नहीं थी कि उसको पत्थर को किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है, जैसा पत्थर मिला वही उठा गए ये लोग, हंटिंग करते थे। तो अनपॉलिश्ड अनड्रेस्ड और रफ स्टोन यूज करते थे, मीन्स जैसा इनको मिल गया वही पत्थर पकड़ा और उससे हंटिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो इस टाइप का जो है ये यूज करते थे स्टोन टूल। और सिंस स्टोन टूल वॉज मेड अप ऑफ क्वार्टजाइट, लेकिन जो स्टोन टूल ये यूज करते थे अभी वो क्वार्टजाइट का बना हुआ था। ठीक है, बेसिकली जो स्टोन टूल इनका यूज होता था वो क्वार्टजाइट से बना हुआ रहता था। दस पैलियोलिथिक मैंस आर कॉल्ड क्वार्टजाइट मैन, इसीलिए पैलियोलिथिक मैंस को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्वार्टजाइट मैन भी इनको कहा जाता है। तो अभी 12 मिनट की वीडियो तो हो गई है राउंड, तो पैलियोलिथिक एज का विभाजन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अभी हमने एक बार, मैं आपको दोबारा पैलियोलिथिक एज को डिस्कस करा देता हूँ। ठीक है ना, अब ये पैलियोलिथिक एज का यहाँ पर देखने को मिलता है हमें कि 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है इनको, फिर मीजोलिथिक एरा। हाँ, तो पैलियोलिथिक एज का डिस्ट्रीब्यूशन और मीजोलिथिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हो नहीं पाएगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, 12 मिनट के अराउंड की अभी हो गई है। तो अभी हम पैलियोलिथिक एज को ही एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ पूरा, जब जहाँ से हमने शुरू से पढ़ा है आज का लेक्चर, पैलियोलिथिक एज का आधा हिस्सा हमने पढ़ दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री, जो कि हमारा चैप्टर का नाम था। हमने हमने पढ़ा सबसे पहले हिस्ट्री, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है इंक्वायरी नॉलेज और एक्वायर बाय इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, हिस्ट्री को हमने देखा 3 हिस्सों में तोड़ा गया था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, तीनों स्टोन एज प्री हिस्ट्री के अंदर आते हैं। प्री हिस्ट्री में सिर्फ हम इनको ही पढ़ते हैं, स्टोन एज इसको। तो प्री हिस्ट्री की बात करें तो इवेंट अगर बिफोर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग के, इन्वेंशन से पहले वाले हैं। हिस्ट्री मीन्स है जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया था, उसके बाद जो भी इवेंट हैं या जो भी रिटर्न इवेंट्स हमारे पास मेंशन है उनको हम हिस्ट्री में लेते हैं। प्रोटो हिस्ट्री मतलब इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल, जब इसमें राइटिंग वर्क डेवलप हो रहा था और जो राइटिंग वर्क हुआ है वो हमारी समझ में नहीं आया है, उसको हमने प्रोटो हिस्ट्री में रखा है। ठीक है, क्योंकि हम प्री हिस्ट्री कह नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि रिटर्न वर्क है, हिस्ट्री भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको प्रोटो हिस्ट्री में हमने डाल दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने दो साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फुटे और सर मार्टिमर व्हीलर, ये दोनों ने बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी हिस्ट्री की है। रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल ढूंढा है जिसका नाम है पल्लवरम हैंडेक्स, ये इंडिया का है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। और सर मार्टिमर व्हीलर को देखें तो प्री हिस्ट्री में हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है, इन्होंने प्री हिस्ट्री के जो वो है एरा है उसको ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज और जो भी स्टोन टूल यूज होते थे उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, लेट स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, जिसको पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक भी कहते हैं। पैलियोलिथिक है 5 लाख से 10 हज़ार BC, मीजोलिथिक है 10 हज़ार से 6 हज़ार BC, नियोलिथिक है 6 हज़ार से 1 हज़ार BC तक का टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने पैलियोलिथिक एज देखा, पैलियोलिथिक एज में हमने देखा कि हंटर्स और जो लोग हैं वो हंटर्स और फूड गेदर्स हैं, और प्लेस लेस लेस्टोन सीन लेस्टोसीन पीरियड और आइस एज के वाला टाइम इंटरवल है। नेग्रिटो रेस के लोग हैं। ठीक
ठीक है, और मेटल का यूज, पॉटरी का यूज करना नहीं आता है, घर बनाना नहीं आता है, गुफा के अंदर गाँव में रहते हैं, अनपॉलिश्ड अनडस्ट और रफ स्टोन का यूज करते हैं, और स्टोन टूल जो अभी यूज कर रहे हैं जिससे हंटिंग कर रहे हैं वो क्वार्टजाइट से बना हुआ है, तो इस टाइम के लोगों को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, द पैलियोलिथिक मैन आर ऑल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पर क्वार्टजाइट मैन लिखेंगे, क्यों होगा, क्योंकि क्वार्टजाइट से बने हुए स्टोन टूल्स का इस्तेमाल वो करते थे जो कि अनपॉलिश्ड अनडस्ट और रफ स्टोन टूल होते थे। इसी के साथ ही 15 मिनट की वीडियो आपके पास आ गई है, आप मेक श्योर कि आपने ये पूरी वीडियो देखी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो इसमें, और इसके सीरीज़ वाइज आएंगे, और भी अगर कोई आपको दिक्कत है या किसी एमसीक्यू वगैरह बनाने हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि इस वाले के इस पार्ट में दिक्कत है, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना के आपके पास दे दूंगा जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आप कमेंट में वो लिख लीजिए। और वीडियो का लेक्चर कैसा लगा, इजी टू यूज़ सीरीज जैसा इसका नाम है, क्या ये ऐसी सीरीज़ है, ये भी आप कमेंट में लिखो कि वॉज इट ईजी फॉर यू या कॉम्प्लेक्स हो रहा है, या क्या इसमें सुधार करना चाहिए, ठीक है, इसको सीरीज को बहुत ही बेसिकली ईजी बनाने के लिए। तो थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉच।